हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपने नन्हे मुन्ने फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू, और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुँच। आज हम फिफ्थ क्लास का फिफ्थ चैप्टर जो है मनी आपकी डिमांड पे लेके आए हैं। नाउ स्टूडेंट, 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ इन टू पैसे। रुपीज़ में आपको दिए हुए हैं और वो कह रहा है पैसों में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं। तो स्टूडेंट 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना है देन जो भी आपको कहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये एग्जांपल है ना, रुपीज़ 11 को कन्वर्ट करो कहता है पैसों में, तो 11 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100 पैसे बन जाएंगे आपके पास। तो स्टूडेंट जब भी आपने ये सम करना है तो सबसे पहले सम लिख के उसके बाद लिख दोगे रुपीज़ 1 = 100 पैसे। तो जितने रुपीज़ हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 1500 पैसे आ जाएंगे। क्लियर। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, 1 = 100 पैसे लिख लेने हैं आपने, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला है ना ये हमारा, इसको ऐसे बॉक्स में रख लेंगे। अब ये 8.13 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट्स वाली मल्टीप्लाई में स्टूडेंट क्या करते हैं आ जाएगा, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पता है 1 से 813 को मल्टीप्लाई किया तो 813 ही आएगा, साथ में 2 ज़ीरोस है ना। तो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है, 1 2। अब इधर से भी हमने 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, ये हो गए हमारे पास पैसे। क्लियर स्टूडेंट। अगर आप इसको ऐसे ही लिखा रहना दे चाहते हो तो ऐसे भी ठीक है ये, अगर आप पॉइंट हटा के, क्योंकि पॉइंट के दूसरी तरफ देखो ज़ीरो है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 813 पैसे भी आप आंसर ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट आप इसके नेक्स्ट पार्ट जो हैं 100 से मल्टीप्लाई करके सभी को आप ऐसे पॉइंट्स हटा के लिख सकते हो। क्लियर। आप करोगे इनको सॉल्व और मैच करोगे, देखोगे कि आपने ठीक किया है। सिंपल है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करके ज़ीरो लगा देनी साथ में और बाद में 1 2 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ तक भी रखोगे तो ये भी गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको। अगर छोड़ दोगे नेक्स्ट जीरोज़ को, ऐसे सिंपल लिख दोगे तब भी ठीक होगा आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट। देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।